पावन सावन अष्टमी नवरात्रों में सैकड़ों की संख्या में लंगर संगत की ओर से लगाए गए हैं। वहीं श्री आनंदपुर साहिब माता नैना देवी रोड पर एक ऐसा लंगर जिसमें सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक अलग अलग पकवानों का यहां लंगर लगाया हुआ है। वहीं इस लंगर की खासियत यह है कि इस लंगर में व्यापारी, दुकानदार, मास्टर एवं अन्य पेशों से संबंधित संगत आप खुद लंगर में लगातार सेवा कर रहे हैं। श्री आनंदपुर साहिब माता नैना देवी रोड यूनिक पैलेस में माता नैना देवी लंगर सेवा ट्रस्ट रजी ग्यासपुर लुधियाना की ओर से माता रानी की भक्तों के सहयोग से लगातार नवरात्रों में 8 दिन के लिए विशेष लंगर लगाया जाता है। इस लंगर में विशेष पकवानों को आप टेबल पर स्टैंडिंग एवं कुर्सियों पर बैठकर डाइनिंग टेबल जैसा आनंद ले सकते हैं। इस लंगर में सफाई एवं पकवानों के उच्च क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। ट्रस्ट के प्रधान जनक राज सिंगला, सुभाष सिंगला ने बताया, यह लंगर ग्यासपुरा लुधियाना, लहरागागा एवं मानसा की संगत के सहयोग से प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस लंगर में विशेष योगदान यूनिक पैलेस के मालिक सत्या देवी एवं पुरुषोत्तम लाल मेहता का होता है। उन्होंने बताया कि लंगर सुबह 5 बजे से रात्रि 12 तक लगातार चलाया जाता है, जिसमें सुबह के समय नाश्ते में चाय के साथ बालूशाही, शकरपारा, मट्ठी, मटरी, पेठा, आलू चने, बेसन आदि भक्तजनों में परोसा जाता है। Thank you.
जय माता दी जी। माता नैना देवी लंगर सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड लुधियाना द्वारा दसवां विशाल भंडारा लगाया जा रहा है जी। मां नैना देवी की कृपा दे नाल दसवां विशाल भंडारा जी ये सुबह जी असीं 5 बजे शुरू करते हैं। 5 बजे सब तो पहला चाह हुंदी है जी। चाह दे नाल मटर मट्ठी बालू शाही शकरपारे ब्रैड ये दिते जांदे ने जिहड़े कि 8 बजे तक चलते हैं जी। 8 बजे तो बाद जी आलू पूरी पेठा और परौंठे तवे वाली रोटी, क्योंकि कई लोग पूरी नहीं खाते इस करके नाल परौंठे या तवे वाली रोटी दी जाती है। दोपहर का भोजन जी कढ़ी चावल फुलका तवे वाला नाल अचार दाल कोई कभी सब्जी भी नाल बना ली दी है। जी जो दोपहर का खाना 2 बजे तो बाद स्टाला जिन्होंने आप कह देने जी वो स्टाला चलते हैं वक् वक् तरह दियाँ। 2 बजे पॉपकॉर्न शुरू कर देने जी। पॉपकॉर्न तो बाद जलजीरा ब्रह्मी शेक रू अफजा समोसा टिक्की पकौड़े पापड़ जी। तवे वाली रोटी होंगी है जी, दाल कोई कभी नाल सब्जी भी अचार चावल हल्का फुल्का खाना शाम के समय तैयार कर रहे घर वर्ग का जो खाना कह लें आप। संस्था के नाल लहरा गागा तो भी है जी, मानसा तो भी घट्टो घट्ट भी 10-15 जो सेवादार ने बहुत पिछले कई सालों तो काम कर रहे हैं तो बाकी लुधियाना तो साढ़े 25-30 सेवादार लुधियाना तो भी ने। तो असं लुधियाना तो लैके आए हैं जी तो मानसा तो भी कुछ राशन साढ़े सेवादार भेज देने, बाकी जो कभी कोई घट जाता तो असं आनंदपुर साहब तो खरीद करते हैं। प्रबंध भी बहुत वधिया तरीके करते हैं जी, सारा समान बहुत वधिया कंपनियों का मार लगे हैं। इस तरह के आम तौर पर कदम फॉर्च्यून कंपनी का अजकल रिफाइन चलता, गिनी का रिफाइन चलता, ताजिया सब्जियां असं आनंदपुर साहब तो लेके आने, फल फ्रूट मैंगो शेक वगैरह या बनाना शेक बनाने वह भी असं सुबह या जिस वेले भी जरूरत होंगी आनंदपुर साहब तो परचेज कर लेंगे। बहुत बड़ा सहयोग है जी, अमीत पैलेस के मालिक ने इन्हों का बहुत सहयोग रहा जी। सुबह साढ़े 5 बजे लग जाते हैं तो रात में 11 बजे तक साढ़े ड्यूटी देंगे जी, क्योंकि देख रेख सारी मेहता जी संभालते हैं। प्रशासन का इस दफा वधिया सहयोग है जी, किता सब तो वधिया ये गल है जी। पंजाब गवर्नमेंट ने जिन्ने भी लंगर ने या जो भी है उन्होंने प्रशंसा पत्र दे के उन्हों का उत्साह बढ़ाया। बाकी इस दफा लाइटिंग वगैरह ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आँगी है तो प्रशासन जब फोन करीगा तो सुनता जरूर है। पहले ही साढ़े बाहर टेबल लगे हुए हैं जी, कुछ संगत खड़िया होकर भी खा लगे ने, कुर्सियां लगे ने, मेज कुर्सियां बाहर तुम्हें दिखावे। रोपड़ श्री विवेक श्री सोनी जी सम्मानित करके गए थे, प्रशंसा पत्र देकर गए थे, उन्होंने भी असं बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, साढ़े को जो पोलीटिकल मतलब एम एल ए अगले अजे को लहरा गागा तो श्री वरिंदर गोयल जी आए थी, तो उस तो पहला अपने मदन मोहन मित्तल जी होर भी कई मतलब पोलीटिकल शख्सियत ने आनिया रही। माहौल इस वे ठीक है जी, शुरू तो थोड़ा जहा प्रॉब्लम थी पानी तो, लोग डरते थे भी पानी आया हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरह लोग आते गए तो वापस घर जाके दसते सी, असं भी सोशल मीडिया से पाते रहे, कोई यह जी गल नहीं है, पानी है जरूर लेकिन थोड़ा जा दूर है। संगत में बहुत श्रद्धा जी, हम इस वे रात में तुम देखोगे जो तो बहुत गड्डिया गड्डिया भर के संगत में आ रही है, क्योंकि जिन्होंने मुरादा पूरी होंगे ने जी, वो कोई बाहर की जी आफत है, कुदरती आफत है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਰਦਾ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਰਦਾ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਵਾਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਹਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਅਠਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਰਤੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ।